माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में गठित हो चुकी है। हाल ही में जो मामला JOAIT भर्तियों का सामने आया है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर थी, तो इस मामले को लेकर के सदन के अंदर और बाहर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने इस मामले को शुरू में उठाया था। सरकार बनते ही सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि जो पहले इस तरह के मामले होते रहे हैं पेपर लीक के, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय प्रदेश में हुआ है, इसको ऊपर जो है वो कड़ाई के साथ सरकार काम करेगी। और सरकार बनते ही सारी एजेंसियां सक्रिय थीं। आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार जो था पेपर लीक का, उसका पर्दाफाश हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, लाखों बच्चों को इसमें नियुक्तियां होनी थी। और इसी से ये पता चलता है कि वर्तमान सरकार जो है उसकी नीयत जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर जो है हम लोगों को काम करना है, उसी के चलते ये कार्रवाई हुई है। आगे भी 5 वर्ष में ये मैंडेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को दिया है कि भ्रष्टाचार के साथ कोई भी समझौता प्रदेश के अंदर नहीं किया जाएगा। सरकार जो है वो ईमानदारी के साथ प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए फिर संकल्प है, उसके ऊपर जो है सभी लोग मिल करके उनके नेतृत्व में काम करेंगे। कार्यालय बंद हो रहे हैं उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। देखिए, पूर्व में भी इस प्रकार से जब कई बार सरकारों ने आनन फानन में चुनावों को देख करके इस प्रकार के संस्थान कहीं भी खोले हैं, तो जब सरकार आती है, इस सरकार का प्रेरोगेटिव है कि अगर उसमें आपने कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, कोई स्टाफ आपने नहीं लगाया है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए जो है अपनी पट्टिका लगा देना और लोगों को भ्रमित करना वोटों के लाभ के लिए, इस तरह का एक प्रयास रहता है। आज आपने देखा होगा पूरे संसार में, अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो छोटे करने का समय आया है। संचार और IT क्षेत्र में इतनी तरक्की हुई है कि लोग जो हैं कहीं से भी कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वोटों के लिए खोले गए संस्थान थे, सारे बंद नहीं हुए हैं। नूरपुर में जो SP कार्यालय खोला गया था उसको बंद नहीं किया गया है। धर्मशाला में भी जो साइबर क्राइम का ऑफिस है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण कार्यालय है, वो बंद नहीं होगा। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए जो खोली गई हैं, जिसका वित्तीय बोझ 1000 करोड़ से ऊपर प्रदेश के ऊपर पड़ने वाला है, और उसके लिए आपने व्यवस्था कोई नहीं की, वहाँ पर कर्मचारी नहीं लगाए, अधिकारी नहीं लगाए, यही नहीं है। इससे पूर्व में भी पिछले 6-7 महीने जब पूर्व की सरकार के थे, तो उसमें कई ऐसे भवन हैं प्रदेश के अंदर जो ना हैंडओवर हुए डिपार्टमेंट को, कॉन्ट्रैक्टर के पास चाबियाँ हैं, दूर से उसके जो है वो इनॉग्रेशन स्टोन जो है उनको चालू कर दिया गया, भवनों में ताले लगे हैं, कई इनकम्प्लीट वर्क हैं जिनका कि आनन फानन में उद्घाटन कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब सरकार अब हमारी नई आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, इस तरह से जो सरकारी पैसा है, ये धन जो है सारा खर्च इन चीज़ों पर जो हुआ है, ये जनता का है। जब आप पूरी तरह से उस व्यवस्था को वहाँ पर बिठा ही नहीं सकते हैं, तो उसका उद्घाटन करने का या नया कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं। क्या सर, जो बंद कार्यालय खोल रहे हैं उनमें से जरूरी कार्यालय उनको दोबारा से खोला जाएगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी कल शिमला वापस आएंगे, उसके बाद इन सारी चीज़ों को देख के स्टडी करके जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ प्रावधान भी करना पड़ेगा। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देंगे, उसके बाद जो है वो वहाँ उचित स्टाफ का प्रबंध करेंगे, तब जा करके वो चीज़ें खुलेंगी अगर ज़रूरी हों तो। हाल ही में JOAIT पेपर लीक का मामला सामने आया है और कर्मी भी उसमें गिरफ्तार किए गए, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी पुलिस का पेपर लीक हुआ था भाजपा सरकार में और JOAIT का पेपर भी लीक किया गया था, और अब कांग्रेस की सरकार बनते ही जो है वो आने वाला पेपर, कल पेपर होना था लेकिन उसे पिछले कल जो है वो लीक हो गया पेपर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब से गठित हुई है, हम लोग इसके ऊपर पूरा सतर्क थे, उनके ये निर्देश थे कि पूरी इसके ऊपर निगरानी रखी जाए, पहले की तरह जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, सबको न्याय देना वर्तमान सरकार का प्रण है, और उसके ऊपर काम करते हुए इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। आगे जब ये होगा
इसका पेपर तो पूरी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर काम करी। सुदीप जी विपक्ष कह रहा है आपकी कैबिनेट नहीं बन पाई अभी तक, क्या वजह? कैबिनेट तो बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है। संविधान के आर्टिकल 164 में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो कहता है कि वन चीफ मिनिस्टर एंड अ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर कैबिनेट। तो ये कैबिनेट तो है, अब विस्तार होना है उसके ऊपर। ये प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री का है कि वो कब कहते हैं, तो जल्दी वो भी हो जाएगा। विपक्ष हाई कोर्ट जाने की बात कह रहा है इन तमाम डी नोटिफाई दफ्तरों को लेकर, क्या क्या कहेंगे? देखिए सरकार भी उसमें अपना पक्ष रखेगी और सरकार बताएगी कि किस प्रकार से जो है वो कोताही बरती गई है, इस पूरे जो ये कार्य हुए हैं, इसकी कार्य प्रणाली जिस तरह से होनी चाहिए थी वो सही नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, अपना पक्ष रखेंगे। ये तो विपक्ष का अधिकार है, वो हाईकोर्ट में जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, वो जा सकते हैं, विकल्प खुले हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है इससे उसकी मंशा जो है उसका पता चला। हमारा ये प्रयास है कि धर्मशाला में उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विशाल आभार जनसभा यहाँ पर करें, जो कि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है उसके लिए। सर क्या प्राथमिकताएं जो है वो रहने वाली है, क्योंकि आप पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और बड़ी अपेक्षाएं जो है वो लोगों की आपसे? देखिए प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो अपने 10 एजेंडा सेट किए थे उसके ऊपर काम करेंगे। रोजगार के ऊपर बहुत काम होगा, रोजगार सृजन के ऊपर काम होगा कि प्रदेश के अंदर कैसे नए रोजगार पैदा करें, और विकास जो है वो प्राथमिकता रहेगी सरकार की। पिछले 5 वर्षों में जो विकासात्मक कार्य खासतौर पर धर्मशाला में, कांगड़ा जिला में रुके पड़े हैं, उनको गति दी जाएगी, ये मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। आपके समय कुछ प्रोजेक्ट जो है लटके हुए हैं, क्या बिल्कुल दिखेंगे? ये ढुलमुल रवैया चलने वाला नहीं है। वर्तमान सरकार पूरी संजीदगी के साथ जो धनराशि लोगों के लिए लेकर के आएगी, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार के वक्त की भी धनराशि अभी तक खर्च नहीं हुई है, उन सारी चीज़ों को धरातल पर लाना, ये हमने प्रण लेकर ही चुनाव लड़ा है और तभी जनता ने जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है।